हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज हम डिस्कशन करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नोमेनक्लेचर के बारे में, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं बेसिकली उनका नोमेनक्लेचर की क्या क्या प्रोसेस है और कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। मैं एक चीज आपको बता दूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं बेसिकली वो डिफरेंट थ्री डी स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट थ्री डी स्ट्रक्चर। इसके अंदर बेसिकली पाई बॉन्ड और एलिफेटिक साइक्लिक रिंग होने की वजह से इसमें किसी भी टाइप का रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि रोटेशन जो हमने देखा था किसके अंदर देखा था, ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसे हम स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर क्या होता है, रोटेशंस होता है, बट यहां पर पाई बॉन्ड और एलिफेटिक साइक्लिक रिंग होने की वजह से यहां पर किसी भी टाइप का रोटेशन नहीं होता है। इस वजह से जो यहां पर जो रोटेशन नहीं होता है, जिस वजह से जो कंपाउंड्स होते हैं इसके जो कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अगर जो बेसिकली यहां पर जो रोटेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड और एलिफेटिक साइक्लिक रिंग होती है जिसकी वजह से यहां पर रोटेशन नहीं होता, और रोटेशन नहीं होने की वजह से ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं गमाते हैं, पहले सिस्टम की बात करते हैं। तो पहला सिस्टम जो है नोमेनक्लेचर का वो है सिस ट्रांस सिस्टम। क्या है? सिस ट्रांस सिस्टम। यहां पर देखिए तो ये बेसिकली पाया जाता है, मतलब सिस ट्रांस सिस्टम जो होता है यूज होता है, वो यूज होता है डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स के अंदर, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स के अंदर। तो यहां पर है सिस और ट्रांस, तो इसका मैंने एक एग्जांपल बताया है आपको। तो यहां पर एक एल्किन है, यहां पर देखिए अगर ग्रुप और एटम, सेम ग्रुप और एटम जो है वो एक ही साइड में आ जाए, जैसे क्लोरीन क्लोरीन साइड में सामने एक ही साइड में आ गए हैं, आमने सामने आ गए हैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही साइड में आ गए हैं, तो इस टाइप के इसको बोला जाएगा सिस। और अगर अपोजिट साइड में आ जाए, मतलब क्लोरीन इधर है और उसके सामने हाइड्रोजन आ गया, तो ये दोनों अपोजिट हो गए हैं, तो इसको बोला जाता है ट्रांस। तो बिल्कुल सिंपल है कि बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नोमेनक्लेचर है जो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स के अंदर यूज होता है। और अगर यहां पर ग्रुप्स और एटम, सेम ग्रुप और एटम अगर आमने सामने आ जाए या एक ही साइड में आ जाए तो उसे बोला जाएगा सिस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो उसे बोला जाएगा ट्रांस। अब हमारा जो दूसरा सिस्टम है नोमेनक्लेचर का वो है EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बेसिकली EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर उन एल्किन्स के अंदर यूज किया जाता है जहां पर तीन या चार अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स जुड़े हुए आपके कार्बन से। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो इसमें लिखा है मैंने कि इस फोर, मतलब ये सिस्टम वहां यूज किया जाता है जहां पर एल्किन से ट्राई या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, या कह सकते हैं ट्राई या टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स हो, मतलब वो एल्किन्स जिसमें तीन या चार ग्रुप्स या एटम्स जुड़े हुए हों। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है यहां पर। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ये है, यहां पर ये आपको एल्किन दिख रहा है, तो यहां पर देखिए यहां पर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहां पर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको हम पहले कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिकुलर वेट। तो इस तरफ का अलग अलग करना है, इसका अलग करना है। ठीक है, इन दोनों में सबसे ज्यादा मॉलिकुलर वेट किसका है? सीधी सी बात है, ब्रोमीन का है, तो इसको एक नंबर दे दिया, और क्लोरीन का है दो नंबर दे दिया। इस तरफ देखते हैं, दोनों का अलग अलग देखना है ना, इन चारों का साथ में नहीं देखना है। अगर आप बोलेंगे ये सब एक साथ नहीं, ये अलग और ये अलग, ठीक है, एक दो, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर ब्रोमीन सबसे ज्यादा है, उसको एक नंबर, क्लोरीन दूसरे नंबर पर है दो नंबर, यहां पर देखिए फ्लोरीन और हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन का ज्यादा है तो फ्लोरीन को एक नंबर, हाइड्रोजन का दो नंबर। ठीक है, यहां पर हमको यह देखना है कि अगर ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले, मतलब जिनको हमने एक एक नंबर दिया है, अगर वो एक ही साइड पे आ जाते हैं, मतलब आमने सामने आ जाते हैं, तो उसको बोला जाएगा जेड आइसोमर। ठीक है, मतलब अगर ऐसा ग्रुप, मतलब एग्जाम्पल के अंदर अगर दोनों तरफ जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट ब्रोमीन है, फ्लोरीन, अगर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले एटम्स आमने सामने आ गए हैं, तो उसको बोलेंगे हम जेड आइसोमर। इसका जेड का मतलब होता है जूसामन, जिसे इसका अर्थ होता है टुगेदर। ठीक है, तो मैंने नीचे भी लाइन लिखी कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स और एटम इन सेम साइट, मतलब हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स जो होते हैं, एटम्स या ग्रुप, अगर वो सेम साइड में आ जाते हैं तो हमको क्या बोलते हैं? जेड आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, किसका है ये? ई आइसोमर का। यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, यहां पर देखिए तो ब्रोमीन और क्लोरीन है, ब्रोमीन का ज्यादा है एक नंबर, क्लोरीन का कम है दो नंबर, फिर यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन का ज्यादा है तो एक नंबर, और हाइड्रोजन का है दो नंबर, तो इसमें उल्टा हो गया। मतलब कि अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स नहीं, एटम्स या ग्रुप अगर अपोजिट साइड में आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है ई आइसोमर। सेम यही लाइन, और इसका ई का मतलब होता है एंटीजन, तो एंटीजन इसका मतलब होता है अपोजिट, तो सीधी सी बात है हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स और एटम इन अपोजिट साइड। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, जेड आइसोमर और ई आइसोमर। एक चीज याद रखनी है कि ये जो नोमेनक्लेचर होगा ये उन एल्किन्स के अंदर होता है जहां पर तीन या चार
अलग अलग एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हो तो वहां पर इस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी नोमेनक्लेचर के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के नोमेनक्लेचर का जो हमारा तीसरा और आखिरी सिस्टम है वो है साइन और एंटी सिस्टम। और ये जो नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है बेसिकली वहां पर यूज होता है, मतलब उन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए यूज होता है जहां पर सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन होता है। यहां पर जो रोटेशन होता है वो किसकी वजह से नहीं हो पाता है, इन दोनों की वजह से, सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन की वजह से यहां पर ग्रुप मतलब जो कंपाउंड है उसका रोटेशन नहीं हो पाता है। तो यहां पर देखते हैं अब इस नोमेनक्लेचर के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो यहां पर जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, तो यहां पर देख रहे हैं आपको कि पूरा एक कंपाउंड दिख रहा है। तो यहां पर होगा ये कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर रूल ये कहता है कि यहां पर एक बेंजीन रिंग लगी है, नीचे नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर है। तो बेंजीन रिंग जो कि ग्रुप और एटम, जो भी ग्रुप और एटम होता है जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको हम एक नंबर देते हैं, और जिसके पास लोन पेयर होता है उसको दो नंबर देते हैं। सेम यहां भी हमको यही करना है, जिसके पास मतलब बेंजीन रिंग का हाई मॉलिक्यूलर वेट है इसलिए इसको एक नंबर दिया, नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है उसको हमने दो नंबर दिया। तो सीधी यहां पर होता यह है कि अगर कोई भी ग्रुप और एटम जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है अगर वो आमने सामने आ जाते हैं, जैसे ये दोनों आमने सामने हैं, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ होते हैं, ठीक है, यानी सेम साइड में होते हैं, तो वहां पर क्या लिखा जाता है, सिन आइसोमर। ठीक है, तो यहां पर जो हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्रुप है या एटम है वो सेम साइड में है या सेम डायरेक्शन में है तो इस टाइप के कंपाउंड को बोला जाएगा सिन आइसोमर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसे बोला जाता है एंटी आइसोमर। ठीक है, तो यहां पर आपको बेंजीन रिंग जो है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है या हम कह सकते हैं डिफरेंट साइड्स में है, तो इसको बोला जाएगा एंटी आइसोमर। तो ये हो गया आपका सिन आइसोमर, जब हाई मॉलिक्यूलर वेट जो ग्रुप और एटम जो है वो सेम साइड में होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ग्रुप को बोला जाता है या इस टाइप के आइसोमर्स को बोला जाता है सिन आइसोमर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में या डिफरेंट साइड में होंगे तो बोला जाएगा एंटी आइसोमर। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का जो नोमेनक्लेचर का जो थर्ड सिस्टम था वो कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं, और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।